Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. So in field extension, we have discussed what? If F is a field and F is contained in K, then K is called the extension field. K is called the extension field and F is what? F is ground field. Okay, we have discussed this fact in the previous lecture. We have seen K over F is a field, is a vector space. And if the dimension of this vector space K over F is finite, then we say that K over F is a finite extension. ये सब हमने previous lecture में discuss किया हुआ है. हमने ये भी discuss किया हुआ है कि अगर F के ऊपर कोई monic minimal monic irreducible polynomial होगा, irreducible polynomial होगा, जिसका कि degree क्या होगा, n होगा. जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि C over R, अगर ये हमारा C फील्ड एक्सटेंशन है इस रियल नंबर्स का, तो C over R इसका जो डायमेंशन होता है ये 2 होता है और इसके बेसिस में 1 कोमा आयोटा होते हैं और जो x square plus 1 ये पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल मिनिमल मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर r है जिसका कि रूट आयोटा c के अंदर है. ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन आप ही के रिक्वेस्ट पे कि भाई इसका प्रूफ बताइए, किन्हीं ने हमें मेल किया और ये पूछा कि ये जो है q root 2 root 3 is equals to q root 2 plus root 3, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या कह लीजिए कि आइसोमॉर्फिक होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले q root 2 root 3 का मतलब समझते हैं. मान लीजिए कि हम ओवर q बात कर रहे हैं, तो q root 2 root 3 ओवर q का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यह एक एक्सटेंशन फील्ड है ओवर q. अब इसमें कैसा एलिमेंट होगा, तो उसको अगर हम लिखें तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो a plus b root 2 plus c root 3 plus d root 2 root 3 टाइप का एलिमेंट होगा इसके अंदर, जहां पे आपका a b c d belongs to q है. ठीक है, इसके अंदर हम एक जनरल एलिमेंट का बात कर रहे हैं. तो देखिए q root 2 root 3 के अंदर क्या क्या होगा. अगर हम a 0 ले लेते हैं, a 0 ले लीजिए, b 1 ले लीजिए, c 1 ले लीजिए और d 0 ले लीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि root 2 plus root 3 ये आ जाएगा q root 2 comma root 3 के अंदर. इसी तरीके से infinitely many elements q root 2 root 3 के अंदर होंगे, मतलब इसके जो basis है ना q root 2 root 3 over q, उसमें है 1 root 2 root 3 and root 6. ठीक है, ये चारों एलिमेंट और रेशनल्स के साथ मिलकर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे जो कि q root 2 root 3 के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो अब आपको ये शो करना है कि q root 2 comma root 3 is equals to q root 2 plus root 3 इसके बराबर होगा, ये आपको शो करना है. और देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं, एमएससी बीएससी का मैं बात कर रहा हूं, नेट जेआरएफ के लिए अगर आप आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में इसका प्रूफ ही होगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे. ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी शुरू होगा बिल्कुल नेट जेआरएफ के हिसाब से, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है वो और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का जनरलाइज्ड स्ट्रेटजी वो आपको इस चैनल पे मिलेगा. लेकिन इस वीडियो में क्योंकि यह एक रिक्वेस्ट पे आया हुआ है कि भाई इसका प्रूफ कर दीजिए, तो हम इसका प्रूफ ही करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करना है कि q root 2 root 3 बराबर होगा q root 2 plus root 3. तो देखिए जब आपको ये प्रूफ करना होता है a is equals to b, तो आप क्या करते हैं, a contained in b and b is the subset of a, अगर आप ये दोनों प्रूफ कर देते हैं तो a बराबर b हो जाता है. यहाँ भी यही काम करेंगे कि पहले इस फील्ड को सबसेट दिखाएंगे इसका और फिर इस फील्ड को सबसेट दिखाएंगे इसका, और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि q root 2 comma root 3 यह स्मॉलेस्ट फील्ड है, स्मॉलेस्ट फील्ड है जो कि रेशनल्स
इरेशनल मतलब रूट टू एंड इरेशनल रूट थ्री, इस तीनों को कंटेन करता है। मतलब कि यह जो फील्ड है, इस फील्ड का जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट तो आपको मैंने बता दिया कि a प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री एंड प्लस डी रूट सिक्स, इस टाइप का इसका जनरल एलिमेंट होगा। तो निश्चित तौर पे यह एक स्मॉलेस्ट फील्ड है जो कि रेशनल्स रूट टू और रूट थ्री को कंटेन करता है। अब हमने आपको यह भी दिखाया था कि इसमें जब आप a जीरो ले लीजिए, b वन ले लीजिए, c वन ले लीजिए एंड d जीरो ले लीजिए, तो रूट टू प्लस रूट थ्री किसके अंदर होगा, q रूट टू कोमा रूट थ्री के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि रूट टू प्लस रूट थ्री क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री के अंदर हो जाएगा। अब इस एलिमेंट को लेकर रेशनल्स के ऊपर जब हम एक एक्सटेंशन फील्ड डेवलप करेंगे जिसको कि क्यू रूट टू प्लस रूट थ्री कहेंगे, तो यह निश्चित तौर पे क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री का सबसेट होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री है वह इस एलिमेंट को भी तो कंटेन करता है। तो इस एलिमेंट से जो एक्सटेंशन जनरेट हुआ ओवर द रेशनल वो डेफिनेटली इसके अंदर होगा। तो यहां से देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब दिस एक्सटेंशन इज कंटेन्ड इन दिस, ये तो प्रूफ हो गया बड़ी आसानी से। लेकिन आपको थोड़ा सा टैक्टिक्स, थोड़ा सा तिक्रमबाजी करना पड़ेगा अगर आप क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री को इसके अंदर दिखाना चाहते हैं। और इसी क्रम में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ दिस एक्सटेंशन क्यू रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू प्लस रूट थ्री तो इस एक्सटेंशन के अंदर होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब ये इस फील्ड के अंदर होगा और क्यू रूट टू प्लस रूट थ्री एक फील्ड है, तो निश्चित तौर पे दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट वो भी फील्ड के अंदर होगा। फील्ड तो क्या नहीं करता है भाई, क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव। एक्चुअली में फील्ड क्या होता है, अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डेफिनेटली अगर ये एलिमेंट है तो इसका स्क्वायर भी इस फील्ड के अंदर होगा, क्योंकि ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर हो गया टू, बी स्क्वायर हो गया थ्री एंड टू इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री। तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर भी क्यू रूट टू प्लस रूट थ्री के अंदर आ गया। अब यहाँ से देखिए, टू प्लस थ्री ये फाइव हो जाएगा, प्लस टू रूट टू रूट थ्री, ये भी इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको एक स्टेप आगे यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे देखिए स्माइल बना दिया मैंने, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि भाई हमें क्या करना है कि फाइनली हमें क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री को दिखाना है इसके अंदर, मतलब इसका उल्टा दिखाना है। ठीक है, क्यू रूट टू कोमा रूट थ्री को उसके अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे फाइव आ गया, तो फाइव वगैरह को आपको हटाने की आवश्यकता है कि कहाँ से ये फाइव आ गया। तो उसको हटाने के लिए फिर वो फील्ड एक्सियम का सहारा लेंगे। आप देखिए, फाइव और टू दोनों रेशनल नंबर है, तो माइनस फाइव और माइनस टू भी तो उस फील्ड के अंदर होगा। तो इसीलिए अब ये जो आपको मिला था फाइव प्लस टू रूट टू रूट थ्री, इसमें माइनस फाइव ऐड कर देंगे तो भी इस फील्ड के अंदर हो जाएगा, क्योंकि माइनस फाइव भी इस फील्ड के अंदर बीइंग रेशनल एंड ये एलिमेंट भी इस फील्ड के अंदर, तो दोनों का सम भी इस फील्ड के अंदर होगा क्योंकि क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इस फाइव से फाइव गया, फाइव का खेल खत्म। अब कहिएगा कि भाई फाइव एंड टू बिलोंग्स टू क्यू, ये क्यों लिए थे आप? तो फाइव तो लिए थे इसलिए ताकि इस फाइव का खेल खत्म किया जा सके इसके एडिटिव इनवर्स का यूज करके, और टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आगे यूज करेंगे इसीलिए लिए हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 5 कोमा 2 बिलोंग्स टू क्यू पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 5 तो गया एंड बच क्या गया, 2 रूट टू रूट थ्री बिलोंग्स टू क्यू रूट टू प्लस रूट थ्री, यहाँ से 2 रूट टू रूट थ्री मिल रहा है। तो अब भाई इसको भी हमें हटाने का मन कर रहा है कि 2 को भी खेल खत्म कर देते हैं। तो कैसे कर दीजिएगा खेल खत्म? देखिए, 2 रूट टू रूट थ्री इस एक्सटेंशन के अंदर लाई कर रहा है और 2 रेशनल भी है फील्ड के अंदर, तो 2 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 बाई टू होगा वो भी तो इस फील्ड के अंदर होगा।
तो 1/2 भी इस फील्ड का एलिमेंट और 2√2√3 भी इस फील्ड का एलिमेंट, तो दोनों का जो दोनों क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसीलिए 1/2 इंटू दिस ये भी इस फील्ड के अंदर। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 गया, 2 से 2 का खेल ख़त्म, इसीलिए यहाँ पे 2 से 2 का खेल ख़त्म, तो क्या मिल गया √2 इंटू √3 बिलोंग्स टू √2 + √3। ये सारा जो खेल हमने किया वो इसीलिए ताकि √2 × √3 को √2 + √3 के अंदर दिखाया जा सके, ठीक है। और ऐसा दिखाने से क्या फायदा होगा वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है कि ये तो पहले से ही आराम से प्रूफ हो गया, अब हमें √2, √3 को इसके अंदर दिखाना था, इसके लिए ये एलिमेंट ऑलरेडी इसमें होगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करे तो भाई 5 आ गया, इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करने पर कुछ और आ जाएगा, तो उसका आप एडिटिव इनवर्स ले लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी, बस उसका एडिटिव इनवर्स ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इसका भी खेल ख़त्म करना था तो 1/2 ले लिया, इस क्वेश्चन में उसके हिसाब से जो होगा वो 1/2 ले लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे जैसे √2 × √3 बिलोंग्स टू दिस आ गया है, उसी तरीके से इस सारे क्वेश्चंस में भी हो जाएगा, सिर्फ डिजिट का हेर फेर करना है और कुछ नहीं। अब यहाँ से देखिए √2 + √3 इसके अंदर आ गया और √2 × √3 भी इसके अंदर आ गया, देख रहे हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों ही एलिमेंट सिंस √2 + √3 and √2 × √3 बोथ बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, √2 + √3 and √2 × √3 बोथ बिलोंग्स टू √2 + √3। तो भाई √2 + √3 तो फील्ड है, और फील्ड का दो एलिमेंट है यहाँ पे, एक ये भी और ये दोनों एलिमेंट इस फील्ड के अंदर हैं, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी तो इस फील्ड के अंदर होगा, क्योंकि फील्ड है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी तो क्लोज्ड होगा, तो इसीलिए क्योंकि ये भी इस फील्ड के अंदर, ये भी इस फील्ड के अंदर, इसीलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इस फील्ड के अंदर। अब क्या करना है भैया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा √2 × this, तो √2 × √2, तो 2√3, और फिर आप इससे मल्टीप्लाई किए √3 से, तो √3 × √3, 3√2, ये भी इस फील्ड के अंदर आ गया, ठीक है। अब एक बार फिर आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि अब देखिए यहाँ पे भी दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बात, क्योंकि √2 + √3 वो तो पहले से इस फील्ड के अंदर है, और 3 जो है वो भी एलिमेंट है बीइंग रेशनल इस एलिमेंट इसका, तो 3 और ये एलिमेंट इसका प्रोडक्ट भी इस फील्ड के अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 रेशनल्स है और ये पहले से ही इसके अंदर है, तो 3 और ये दोनों इसके अंदर हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर होगा, तो यहाँ से √2 + √3 भी इसके अंदर हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 था और ये जो इक्वेशन नंबर 3 था, इस दोनों ही इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 − 2 कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मतलब यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3 हमने क्या किया है, इक्वेशन 3 − 2 कर दिया है, तो इक्वेशन 3 में क्या है, 3√2 + 3√3 and −2√3 − 3√2, तो यहाँ से क्या हो गया भैया, यहाँ से क्या हो गया कि अगर हम बात करें तो 3√3 and −2√3 ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि √3 आपका √2 + √3 के अंदर है, √3 क्या है, √2 + √3 के अंदर आ गया। अब यहां पे जैसे आपने खेल करके मुस्कुरा के 3 से मल्टीप्लाई करके इस एलिमेंट को इसके अंदर देखा, उसी तरीके से अगले स्टेप में आपको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो यहां पे सिमिलरली लिख दिया है। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं कि एक को दिखा दीजिए, जैसे इसमें √3 √5 है ना, तो √3 को दिखा दीजिए और फिर कहिए सिमिलरली √5 बिलोंग्स टू दैट, यहाँ पे √3 and √2 है तो √3 को तो दिखा दिया एंड सिमिलरली √2 बिलोंग्स टू दिस,
और अगर आप सिमिलरली नहीं पूरा मेथड से करना चाहते हैं तो क्या करना पड़े, यहाँ पे देखिए स्माइल करता हुआ है ना, थ्री से मल्टीप्लाई किए तो आपको टू से मल्टीप्लाई करके फिर वो खेल करना होगा, तो आपको रूट टू भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी हो, लेकिन रूट टू और रूट थ्री, रूट टू और रूट थ्री ये दोनों आपने इस फील्ड के अंदर देख लिया है, और क्योंकि रूट टू और रूट थ्री इस फील्ड का एलिमेंट है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इस फील्ड के अंदर होगा, क्योंकि बीइंग फील्ड वह मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आपने क्या देख लिया भाई साहब कि Q रूट टू प्लस रूट थ्री, तो यहां से हमने देखा कि रूट टू रूट थ्री एंड रूट टू रूट थ्री यह Q रूट टू प्लस रूट थ्री के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एलिमेंट्स इस एक्सटेंशन के अंदर लाई करता है तो इसीलिए Q रूट टू कोमा रूट थ्री क्या हो जाएगा, A प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री प्लस डी रूट टू रूट थ्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारा एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है, और वन तो होगा ही यहाँ पे, जैसे वन रूट टू रूट थ्री एंड रूट टू रूट थ्री इसका बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो आपका एलिमेंट है रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, सॉरी, यहां से हमने ये देखा कि हम ये जानते हैं, सॉरी, ये तो हम पहले से जानते हैं कि क्यू रूट टू रूट थ्री को, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि ये चीज, और ये सारा एलिमेंट हम देख रहे हैं कि क्यू रूट टू प्लस रूट थ्री के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम क्यू रूट टू रूट थ्री का कोई भी एलिमेंट लेंगे ना तो वह एलिमेंट Q रूट टू प्लस रूट थ्री के अंदर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q रूट टू प्लस रूट थ्री भी इसके बेसिस के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। मतलब आपका मेन एम यही था कि आप रूट टू रूट थ्री और उसके प्रोडक्ट को इसके अंदर दिखाएं, जो कि आपने दिखा दिया। तो यहां से यह क्लियर हो गया कि Q रूट टू कोमा रूट थ्री इसके अंदर है, Q रूट टू प्लस रूट थ्री के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर रहा आपका, ये Q root 2 plus root 3 is contained in this, ये equation number 1 रहा। तो from equation number 1 and equation number 4 we have proved that Q root 2 comma root 3 is equals to Q root 2 plus root 3. So I hope you understand, you get it. Okay, so we shall meet in the next lecture. Till then, take care, bye bye.